हेलो दोस्तों स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में आज मैं बात करूंगा वर्ल्ड चंदना नगर शेयर के बारे में आ, ये शेयर जो है आज करीब सत्रह से बीस परसेंट ऊपर गया और ये एक टाइम पे अपर सर्किट पे भी था और फिर अपर सर्किट खुल करके नीचे आ गया थोड़ा सा लेकिन ये शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है आज काफ़ी तेज़ी से भागा है और सबसे मेन बात ये वॉल्यूम के साथ बढ़ा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था जो नॉर्मल वॉल्यूम है आप देख सकते हैं नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ तक रहता है और ये काफी बड़ा वॉल्यूम इसने बनाया है इसका मतलब है चांसेस है इसके ऊपर जाने के तो अभी देखेंगे शेयर के बारे में एनालिसिस करेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे और आखिरी में देखेंगे हमें क्या करना चाहिए और डिफरेंट लेवल्स देखेंगे सपोर्ट टारगेट क्या क्या है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो सब देखेंगे इसके बारे में तो सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं देखिए जब आ, कल मार्केट क्लोज़ हुआ था तो करीब फोर्टी पे क्लोज़ हुआ था ये शेयर और जब आज ये ओपन हुआ तो करीब फोर्टी पॉइंट फोर फाइव पे ओपन हुआ और एक हाई लगाया उसने फोर्टी एट पॉइंट जीरो फाइव का और जब क्लोज़ हुआ मार्केट तो फोर्टी सेवन पॉइंट फोर फाइव पे ये शेयर जो है क्लोज़ हुआ तो देखिए काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ बना है तो ये काफ़ी अच्छा तेजी दिखाया है इसने इस शेयर ने तो काफ़ी अच्छी बात है इस शेयर के लिए तो इसके डिटेल देखते हैं इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल देखते हैं उसके बाद फिर बाकी आखिरी में डिटेल देखेंगे इसका उसके पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लेके चलूंगा ये मेरा यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड देख सकते हैं इसका नाम डब्ल्यू आई टी और इस पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये है फंडामेंटल एनालिसिस वाले स्टॉक इसमें काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिटेल में है वीडियो काफ़ी अच्छे वीडियो लेकिन थोड़े लंबे वीडियोस हैं जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर सकते हैं ये जो इंडिकेटर स्ट्रेटेजी वाले हैं ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे या फिर एक वीक के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है। आई पी रिलेटेड वीडियो इसमें है और इसमें जो है जनरल वीडियोज़ है और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इसमें है और स्टॉक के न्यूज़ बेस वाले जो है इसमें है जो भी स्टॉक वाले हैं जैसे कोई न्यूज़ आता है क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है उससे रिलेटेड इसमें है तो आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आप देखिए मैंने कुछ जो रिसेंट में वीडियोस बनाए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ ये देख सकते हैं कुछ कुछ अच्छे वीडियोस हैं आप चाहे तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं लेटेस्ट में है ये छोटा वाला शेयर है आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अभी रिसेंट में आज का ही है रेमको सिस्टम जो है विजय केड़िया जी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वाला भी है आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी है और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलते हैं इसके थोड़े फाइनेंशियल पे फाइनेंशियल पे जब जाएंगे तो देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं रेवेन्यू देखिए 2021 में इसका 325 करोड़ का था उससे पहले 298 करोड़ उससे पहले 364 करोड़ तो ये लगभग लगभग उसके आसपास ही है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रेवेन्यू में नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट देखिए माइनस करोड़ है उससे पहले माइनस करोड़ उससे पहले माइनस करोड़ तो माइनस में ही है इनके तो उतना अच्छा नहीं है इनका प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर देखिए माइनस फिफ्टीन का उससे पहले माइनस सेवेंटीन तो उतना अच्छा नहीं है अभी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें प्रोमोटर के पास कितना है प्रोमोटर के पास चालीस परसेंट है इनके जो शेयर जो है नाइन्टी सेवन पॉइंट फोर सिक्स परसेंट जो है शेयर जो है प्लेज है यदि प्लेजिंग कोई भी शेयर होती है कोई भी कंपनी के तो वो अच्छी बात नहीं है मतलब वो शेयर अच्छा नहीं है हम लोग को लेने के लिए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो भूल जाइए लॉन्ग टर्म के लिए तो लेना ही नहीं चाहिए वही शेयर प्लेज है और प्रमोटर के पास खुद ही कम है देखिए प्रमोटर के पास पहले फिफ्टी फाइव परसेंट था अभी फोर्टी परसेंट हो गया है तो प्लेजिंग भी है तो अच्छा नहीं है ये शेयर वैसे तो जो डेटा बता रहा है एफ आई के पास कुछ भी नहीं है डी आई के पास कुछ भी नहीं है अभी पब्लिक के पास देखते हैं पब्लिक के पास कितना है पब्लिक के पास करीब यहाँ पर जो दिखा रहा है आ, एक मिनट परसेंटेज होल्डिंग देखिए पब्लिक के पास कितना दिखा रहा है फिफ्टी नाइन परसेंट तो पब्लिक के पास भी काफी बड़ा क्वांटिटी है तो ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसका फाइनेंशियल अभी चलिए देखते हैं हमें क्या करना चाहिए शेयर में तो देखिए जो लोग पहली बात तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है शेयर में सबसे पहली बात क्योंकि इसका शेयर प्लेज है और प्रोमोटर के पास भी कम होल्डिंग है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है शॉर्ट टर्म में जो लोग भी करते हैं उनको छोटा क्वांटिटी में करना है तो अभी देखिए आज जो है आज तो ये भागा है काफी वॉल्यूम के साथ तो जिन्होंने भी लिया सबसे पहले तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फोर्टी से थर्टी नाइन से फोर्टी के बीच में यदि इसके नीचे आता है तो आप सेल करके निकल सकते हैं अभी देखिए ऊपर का लेवल जो है ऊपर का जो लेवल है टारगेट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा फिफ्टी फाइव का फिफ्टी फाइव यदि ये के ऊपर जाता है मान लीजिए ठीक है तो फिफ्टी फाइव के बाद जो है अगला टारगेट जो रहेगा ये करीब सेवेंटी टू के आसपास रहेगा यदि ये ऊपर जाता है तो तो आप ये लेवल्स देख सकते हैं सोच सकते हैं और अपने उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं तो ये मैंने दो लेवल्स आपको बता दिए तो आप इस लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना काम करें आँ... और जब भी यदि मान फिफ्टी फाइव के पास आता है तो कुछ कुछ प्रॉफिट आप बुक भी कर सकते हैं यदि कोई लेता है खरीदता है तो या किसी के पास है तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं और जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ वहाँ पर भी बुक कर सकते हैं इस टाइप से भी कर सकते हैं या फिर पूरा सेल भी कर सकते हैं आपके ऊपर है आपको कैसा प्रॉफिट बुक करना है उसके अनुसार तो वैसे तो ये फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है तो मेरे ख्याल से इसमें बने रहना ठीक नहीं है इसलिए ये शेयर को बेच करके निकलना ही ठीक है ये बट ये मेरा रिसर्च है मेरा थिंकिंग मेरा एनालिसिस है एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा आप खुद का कर रिसर्च करें खुद का कर एनालिसिस करें खुद का कर थिंकिंग रखें किसी के बोलने पे ना खरीदें क्योंकि पैसा आपका है प्रॉफिट लॉस आप ही को होगा इसलिए सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें किसी के बोलने पे ना करें तो ये